in this video today again I have brought sentence transformation. I have already uploaded one video regarding sentence transformation. उसमें आपको पता चलेगा कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. किसी भी सेंटेंस को चेंज करना दूसरे टाइप में, जैसे कि अफर्मेटिव को क्वेश्चन बनाना, या अफर्मेटिव को एक्सक्लेमेटरी बनाना, या अफर्मेटिव को इम्पेरेटिव बनाना. इस तरीके से अगर हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं स्ट्रक्चर, उसको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, अगर आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते, तो आप इसी चैनल में जाइए और इसे पहले वाली वीडियो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट वन आप जरूर देखिएगा. बट आज हम इस वीडियो में करेंगे कि अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है या असर्टिव सेंटेंस गिवन है, तो हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे. मैं बार बार हर वीडियो में हाईलाइट करती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, वो इस वर्ब को ही गलत प्रोनाउंस करते हैं. हम इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव गलत वर्ड है. हमें इंटरोगेटिव बोलना है, हमें गे नहीं बोलना है, हमें ग वर्ड यूज करना है, इंटरोगेटिव बोलना है. ठीक है बच्चों, इंटरोगेटिव आप बोलते हैं तो वो गलत है प्रोनाउंसिएशन वाइज. तो आज हम इस वीडियो में असर्टिव सेंटेंस का, फिलहाल ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं, इनको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे. अब सबसे पहले जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं किसी सेंटेंसेस को, हमें किन बातों का ध्यान रखना है. तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है. अब हमें इस प्रकार का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, डिक्लेरेटिव कहलाता है, या उसको स्टेटमेंट भी कहते हैं. अब हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाले बनाना है. इंटरोगेटिव को भी हम दो नाम से जानते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट कहते हैं और इंटरोगेटिव कहते हैं. उस केस में हमें क्या करना है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में जो वर्ब गिवन है, उस वर्ब को आप सब्जेक्ट के आगे ले आओ. सब्जेक्ट के आगे आप इस हेल्पिंग वर्ब को ले आओ और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा. एंड में आप क्वेश्चन मार्क को हटा के, सॉरी फुल स्टॉप को हटा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपको वो ही सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव बनेगा. मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है उसके वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए सब्जेक्ट के, और पूरा सेंटेंस भी सेम रहेगा. और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और सॉरी फुल स्टॉप हटाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं 5-6 क्वेश्चन में ताकि हमें अच्छे ढंग से समझ में आएगा. राइट, चलो करके देखें. दे ड्रिंक मिल्क, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. अब जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन इसी इस प्रकार के सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे या डज लेंगे. फिर हमने बताया हम डू कब लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लेंगे. अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू. अब जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लेना है और सेम फॉर्मेट रखना है. सो डू दे ड्रिंक मिल्क और क्वेश्चन मार्क. अब देखो सेम स्टेटमेंट है, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. अब आप यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है और फिर क्वेश्चन मार्क लग गया. ये कहते हैं दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या वे दूध पीते हैं, डू दे ड्रिंक मिल्क. सो इस प्रकार के सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज लगाना, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड यूज करेंगे. हमें इसको लर्न करना है और जब हम बार बार बोलते हैं करते हैं तो हमें प्रैक्टिस भी हो जाता है. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यू ब्रोक दिस पेन, अगेन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन सेकंड फॉर्म आ गया. इट मीन्स अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डिड. यहाँ पे खुशी की बात ये है कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो भी डिड, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो भी डिड, तो आपको कम याद करना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नाउ यू ब्रोक दिस पेन. अब हमें पता चला कि हमें डिड यूज करना है, डिड को हम सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं और फॉर्मेट सेम रखते हैं.
did you break this pen? Question mark. अब हमने आपको बताया था कि अगर हमारा कहीं पर भी did यूज होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमें लर्न करना है, ये हमें समझना है कि did अगर आपका किसी भी सेंटेंस में है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब चाहे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या आपका नेगेटिव सेंटेंस हो। इसीलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या लिया, did you break, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिपीट था। अब ये कहता है तुमने यह पेन तोड़ा था, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, क्या तुमने यह पेन तोड़ा था, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब बच्चों हैरानी की बात ये है, चिंता की बात भी यही है कि हमें इस प्रकार के दो जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनमें प्रॉब्लम आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। इसके अलावा कोई भी टेंस गिवन है उसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा या उसमें विल शैल होगा आप उसको आगे ले आना, या उसमें हैज अ हैड होगा आप उसको आगे ले आना, राइट, या उसमें इज अ नाउन होगा आप उसको आगे ले आना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना, फिर आप सब्जेक्ट लेके आना, फिर आप वर्ब लेके आना, फिर आप ऑब्जेक्ट लेके आना, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। तो प्रॉब्लम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी और पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। अब हम इसको लर्न भी करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट कितना इजी है, आई हैव डन दिस, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब तो मिल गया, हम इसको सब्जेक्ट के आगे ले आते हैव आई डन दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये कहते हैं मैंने यह किया, मैं यह कर चुका हूँ, क्योंकि हैज हैव होता है तो हिंदी में चुका है वर्ड आता है, है मैं इन रूल्स को नहीं बोलती बेटा। हम ये कहते हैं अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही रूल्स आ जाएंगे और हमें करना भी ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं क्या मैं ये कर चुका हूँ, वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं ये कर चुका हूँ, तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ईजी है, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉरी, आप देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में एस और एस है, इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हम दस लगाएंगे यहाँ पे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब में एस और एस है तो हमें इसे समझ जाना चाहिए कि वर्ब के एस और एस को हटा के हम दो में मिला देंगे तो दस बन जाएगा। वर्ब में जो एस और एस है उसको आप दो में मिलाओ तो दस बन गया, फिर उसी दस को आप सेम चीज करो सब्जेक्ट पे आकर तो सेम रखेंगे फॉर्मेट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ही वॉशेस क्लॉथ, वह कपड़े धोता है, आप दस आगे ले आओ, डज ही वॉश। अब मैंने आपको ये कहा कि हमने वॉशेस का ई एस जब दो में मिलाया ये दस बन गया तो हम वॉश में ई एस क्यों लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, वॉशेस का ई एस हमने दो में लगाया तभी तो दस बनाएंगे आपने। दूसरा हम दूसरा रूल देखें, सिंगुलर है तो हमने दस लगा दी, अब जब दस में ऑलरेडी ई एस है तो हम वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। सो दस ही वॉश क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, वह कपड़े धोता है, यहाँ पे क्या है, क्या वह कपड़े धोता है, इंटरोगेटिव बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, हमारा ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिल गया है विल, इसको आगे ले आओ बस, विल पहले यहाँ देखते हैं, शी विल कवर ऑल, कोई लड़की है जो पूरी बुक्स को कवर करेगी तो हम कह रहे हैं वह सब कवर करेगी, तो क्या वह सब कवर करेगी, ऐसे बोलेंगे हिंदी में। अब क्या होगा, विल शी कवर ऑल, फुल स्टॉप हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, वेरी गुड क्वेश्चन मार्क। अब देखो वह सब कवर करेगी, क्या वह सब कवर करेगी, अब देखो नेक्स्ट अगेन, अब आपको समझ में आ गया हो, आप मुझे बताओ यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, फार्मर्स प्लूरल है, तो आप मुझे बताओ डू आएगा या डस, वेरी गुड डू आएगा क्योंकि फार्मर्स तो प्लूरल है और हमारा जो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम वर्ब डू लेंगे प्लूरल वाली लेंगे। सो फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान फसल उगाते हैं, तो डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, ये हमारा क्वेश्चन कर दिया।
हमें कैसे पता चला? हमने कहा कि अगर आपका फिंगर होगा प्रेजेंट डेफिनेट है तो हम भूल लगाएंगे, इधर से भी पता चल रहा है, राइट? सो किसान फसल उगाते हैं, क्या किसान फसल उगाते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाया, और इसमें भी केवल दो ही प्रॉब्लम आएगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो या मुझे पता चलता है कि अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके आपके व्यूज के हिसाब से मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।